হ্যালো ফ্রেন্ডস মূরনা রিনা অথারবা চ্যানেল পে সব বহু বহু স্বাগত করতে ফ্রেন্ডস আজকা বিডিও বহুতোেন্ট ভিডিও হয় আজক টেন একটিভিটি আপনার শেয়ার করুন ফাইন মোটর স্কিল একটিভিটি বচ্চোপ ফাইন মোটর স্কিল্প্রুমেন্ট হোক পেন্সিল হল্ডিং ইম্প্রুমেন্ট হাগা বচ্চোকে অটেনশন ফোকাসি হান কডিনেশনমেন্ট অবজেক্ট আইডেন্টফিকেশন লোজ ইম্প্রোমেন্ট হ্যাঁ বচ্চেও बच्चे को आई कॉन्टैक्ट इम्प्रूवमेंट होगा थिंकिंग स्किल इंप्रूवमेंट होगा इतना कुछ इम्प्रूवमेंट मिलेगा ये टेन एक्टिविटी में तो ये एक्टिविटी आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिए और टेन एक्टिविटी बच्चों के साथ कराइए तो देखिए धीरे धीरे आपका बच्चे को भी अटेंशन फोकस आई है कॉर्डिनेशन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा तो टाइम लगता है लेकिन पेशेंस रख के करते रहना है तो अथौरवा सिंगिंग क्लास गया हुआ से वो अपना मासी के घर जाएगा तो आने में उसको लेट हो रहा है इसलिए मैं आज अकेले ही वीडियो बना रही हूँ और एक्टिविटी मैं ही करके बताऊँगी दिखाऊँगी अथरबा की अभी पढ़ाई का भी प्रेशर है क्योंकि अथहरवा के अभी एग्जाम चल रहा है कल उसकी इंग्लिश एग्ज़ाम है तो चारों तरफ का इतना प्रेशर छोटा सा एक बच्चा है और मेरे पास भी बिल्कुल टाइम नहीं होता बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए वीडियो बनाना क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा काम होता है अथहरबा के साथ घर का काम तबीयत फिर साथ नहीं देता है मेरे पास ज़रा सा भी मतलब एक एक मिनट मेरे लिए बहुत कीमती होता है बहुत कीमती चीज़ होता है एक मिनट तो बहुत मुश्किल से मैं आप लोग के साथ वीडियो शेयर करती हूँ कभी कभी मैं इतना थक जाती हूँ मन नहीं करता है वीडियो बनाने की फिर भी मैं कोशिश करती हूँ जो हर के पास मेरा हर नॉलेज पहुँचे तो वीडियो आप लोग देखिए और काम कराइए आपका बच्चे को इम्प्रूवमेंट होगा तो मेरा मेहनत भी सफल होगा क्योंकि मैं बहुत थकने के बाद भी आप लोग को वीडियो शेयर करती हूँ तो आ ये देखा देती हूँ टेन एक्टिविटी करके ये एक्टिविटी आप लोग जरूर अपना बच्चों के साथ कराइए फास्ट एक्टिविटी ऐसे किले लेंगे और किले थोड़ा हार्ड वाला लेना है अगर थायरोपुट्टी है तो सबसे बेस्ट होता है और किले है तब भी चलेगा तो क्ले से थ्री फिंगर से बच्चे को थ्री फिंगर से ऐसे प्रेशर देना सिखाना है ऐसे प्रेशर दे के लम्बा करेगा मतलब पतला सा करेगा रोटी की तरह तो उसमें बच्चे को फाइन मोटर स्किल इम्प्रूवमेंट होता है और क्ले में हाथ लगाना सेंसरी प्रॉब्लम का इम्प्रूवमेंट होता है सेंसरी जो प्रॉब्लम रहता है वो सॉल्व होता है और ये करने से पेंसिल होल्डिंग में इंप्रूवमेंट होता है फिर बच्चे को इसके साथ कलर आइडेंटिफिकेशन करा सकते हो इसका नाम बता सकते हो उसमें वोकाबुलरी बढ़ेगा तो ऐसे करके काम करना है फास्ट जब मैंने अथरवा को सिखाया था ऐसे अथर्वा को फिंगर

तो ये पेन इस टाइप का पेन आप लोग जरूर खरीद के घर में एक रख लीजिए बच्चे को एक्टिविटी कराने के लिए नेक्स्ट एक्टिविटी है बच्चे को हाथ पकड़ के पेंसिल साफ करना सिखाना तो so ये एक्टिविटी बच्चे को डेली लाइफ का एक्टिविटी है क्योंकि बच्चा जब स्कूल जाएगा पढ़ाई करेगा जब भी आप पढ़ाई करने बैठेंगे तब भी आपको एक पेंसिल जरूर हाथ पकड़ के जरूर रोज बच्चे को साफ करना सिखाना है नेक्स्ट एक्टिविटी आप ऐसे गोल गोल कुछ बना देंगे ऐसे करके और बच्चे को रेस करना सिखाना है ऐसे रेजार से अगर रेस करेगा ना इसमें भी थ्री फिंगर यूज होता है और बहुत प्रेशर की जरूरत होता है जब आप कराएंगे तब भी बच्चों को ऐसे हाथ पकड़ कैसे करके सिखाना है तो जब आप राइटिंग करेंगे राइटिंग में बैठेंगे बच्चा गलत राइटिंग करेगा तो क्लीन अप भी बच्चों से कराना है और आप बोलेंगे आप गलत किया है तो आप क्लीन करें तो उसमें क्या होता है गलती और सही का बच्चे को पता चलेगा जब मैंने गलती किया तो मुझे ही क्लीन करना है तो ऐसे करके आप रेस कराना सिखाना है तो इसमें बहुत प्रेशर लगता है आप हमारा बच्चे को राइटिंग जो लाइट होता है और प्रेशर नहीं दे पाता है ग्रिप नहीं होता है तो ये ऐसे दबा के हाथ पकड़ के कराएंगे और पेंसिल सपनर जो वो भी दबा के कराएंगे तो इसमें पेंसिल का कॉन्सेप्ट आएगा सपनर का कॉन्सेप्ट आएगा रेजर का कॉन्सेप्ट आएगा नोटबुक का कॉन्सेप्ट आएगा तो ऐसे करके तो वोकाबुलर ही बाढ़ता है और जब ये करेंगे कम से कम दस बार बोलेंगे क्या बेटा पेंसिल 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 रेजर रेजर शार्पनर ये रे जार, रे जार, नोटबुक ऐसे करके आप बोलते रहेंगे हर एक एक्टिविटी जब भी आप एक्टिविटी कराएंगे तब भी आपको हर ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको बोलते रहना है कम से कम दस दस बार तब भी तो बच्चे को स्पीच आएगा और बच्चे को भोकाबुलरी बढ़ेगा नेक्स्ट एक्टिविटी ऐसे स्केटल लेंगे अगर आपके पास स्केटल नहीं है तो आप पानी का बॉटल ले सकते हैं स्केटल लेने से क्या है कलरफुल है तो बच्चे आई कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा से देता है और आप ऐसे एक हाथ से पकड़ के रखेंगे और एक हाथ से बच्चे को ऐसे करके आप डालना सिखाएंगे शुरू में बच्चा नहीं कर पाएगा ऐसे करना ऐसे करके डालना पॉपर सिखाना है तो आप शुरू में बच्चों को ऐसे हाथ पकड़ के इसके अंदर डाल के फिर ऐसे बोलेंगे जो मिडिल पे इसके अंदर ऐसे रखो और ऐसे छोड़ो अगर ऐसे करने के टाइम जब अथरबा को ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे करके मैं ऐसे रखती थी तब अथरबा को इसको छोड़ना नहीं आती थी तो छोड़ने के लिए बच्चे को लेफ्ट हैंड से ऐसे पकड़ के आपको ऐसे कराना है क्योंकि दोनों हाथ से करना इजी होता है बच्चे के लिए दोनों हाथ वाला मैंने एक्टिविटी दे दिया है ऐसे करके आप दोनों हाथ से फास्ट कराएंगे उसके बाद नेक्स्ट आप कराएंगे ऐसे हाथ में बच्चा डालेगा हाथ में डालने के बाद फिर हाथ बॉटल के ऊपर ऐसे हाथ रखेगा इसके टेल के ऊपर उसके बाद हम जैसे ऐसे छोड़ता है ना हमारा बच्चा छोड़ नहीं सकता है तो ऐसे हाथ में डाल के उसके बाद बच्चे को यह बोलेंगे ऐसे रखो और ये दूसरा हाथ से बच्चे को लेफ्ट हैंड से बोलेंगे ऐसे आप छोड़ फिर ऐसे करते रहेंगे जब बच्चे को बुद्धि आ जाएगा तब ऐसे कर लेगा उसके बाद जो एक्टिविटी है ऐसे जो रबर बैंड होता है ना जो बच्चे को पैंट में लगा हुआ रहता है ये मार्केट से खरीदना होता है जिसके पास रबर मिलता है तो ऐसे बैंड खरीद के थ्री फिंगर से दोनों हाथ के थ्री फिंगर से ऐसे खींचना पास पास पकड़ के ऐसे खींचना है क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा ग्रोस, ग्रोस मोटर के लिए नहीं है ये फाइन मोटर के लिए है क्योंकि थायरो बैंड हर बच्चा खींच नहीं पाता है तो ऐसे करके आपको करना है ऐसे करने से बच्चे को थ्री फिंगर यूज होता है और थ्री फिंगर पे बच्चे को ग्रीप आता है और आपका बच्चे को राइटिंग इतना अच्छा होगा आठ दस साल तक जो आप सोच भी नहीं सकते हो तो ऐसे करके आपको हाथ पकड़ के या पकड़ेंगे और यह पकड़ेंगे पकड़ के बच्चे को ऐसे खींचना है और बोलते रहना है रबर बैंड खींचना है रबर बैंड खींचना है सबसे लास्ट जो एक्टिविटी है बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ादार एक्टिविटी है तो लास्ट तक बने रहिए उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है ऐसे क्लोथ पिन जो है बच्चे को ऐसे करके लगाना सिखाना है बच्चे को अपना बॉडी के ऊपर ऐसे लगाना सिखाना है तो उसमें आप क्या करेंगे बच्चों के यह पर ऐसे करेंगे और ये थोड़ा सा ढीला लेंगे और अथरबा के लिए मैंने लास्ट टाइम टाइट वाला लिया क्योंकि अथरवा की ग्रिप अभी पहले से बेटर है इसलिए तो फास्ट में आप लूज टाइप कर लेंगे क्लोथ पिन और उसके बाद बच्चे को ऐसे पका के ऐसे लगाना सिखाना है तो उसमें आप कलर आइडेंटिफिकेशन करेंगे ब्लू कलर का सिमटी लगाओ पिंक कलर का चिमटी लगाओ ऐसे करके आपको बच्चे को चिमटी का कॉन्सेप्ट देना है कलर की कॉन्सेप्ट देना है तो इसमें वोकाबुलरी बढ़ता है लैंग्वेज इंप्रूवमेंट होता है नेक्स्ट एक्टिविटी है कोई भी कार हो कुछ भी हो ऐसे चाबी घुमाने वाला जो एक्टिविटी है इसमें भी थ्री फिंगर यूज होता है और इसमें ऐसे इस टाइप का हो तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि ड्रम जब बजेगा बच्चे को लिसनिंग स्किल इंप्रूवमेंट होगा और बच्चा जरूर देखेगा आई कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट होता है तो ऐसे आप यहाँ पर पकड़ेंगे और हाथ पकड़ के ऐसे घुमाएंगे और फिर ऐसे बाजेगा तो बच्चा देखेगा बच्चों का अटेंशन फोकस आई हेल कोऑर्डिनेशन आई कांटेक्ट बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है ये एक्टिविटी में फिर जरूर कराइए पाँच मिनट के लिए हो रोज जरूर एक बार कराइए जब भी आप फ्री रहेंगे फ्री टाइम आपके पास होगा तभी बच्चों के साथ इस टाइप की एक्टिविटी करना तो इसमें बच्चे को सिर्फ फाइन मोटर नहीं बच्चों के साथ गेम भी होता है चलो चलो हमें एलिफेंट से खेलता है या डोरीमन से खेलता है इस टाइप का कोई भी एक्टिविटी कोई भी ड्राम बजाने वाला चाबी घुमाने वाला एक्टिविटी हो आप ले लेंगे और ये आएंगे तो उसमें बच्चा थोड़ा फनी गेम की तरह मज़ा लेके इंटरेस्ट लेके गेम खेलता है लास्ट जो एक्टिविटी है ये फिंगर से आइसक्रीम स्टिक को ऐसे प्रेशर देके पकड़ के रखना है तो ये बच्चों के लिए मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है तो ऐसे करके आप कराएंगे तो ये कराना शुरू में आपका बच्चा फोर फिंगर से नहीं कर पाएगा शुरू में आप दो फिंगर से पका के ऐसे बैलेंस करके रखना है जब अथरबा को शुरू में सिखाया था तो अथरबा को दोनों फिंगर को ऐसे टच करके आइसक्रीम स्टिक के साथ रखना मुश्किल था जब भी ऐसे देता था ये दोनों फिंगर ऐसे ले जाता था क्योंकि ऐसे ना पास पास रख के दबा के रखने की कॉन्सेप्ट इन बच्चों में नहीं होता है तो कुछ बच्चा होता है शायद जल्दी सीखता है लेकिन अथरबा में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था इसलिए अथरवा ये सीखने में अथरवा जैसे फिंगर को ऐसे लगाना ये सीखने में भी बहुत टाइम लगाया था बहुत एक्टिविटी है, मैं आप लोग के साथ आज धीरे धीरे शेयर करूंगी तो देखते रहिए मेरे चैनल हर एक चीज़ मिलेगा जो करके अथारवा को इम्प्रूवमेंट हुआ जब ए वन फिंगर से होगी उसके बाद आप जब टू फिंगर से कराएंगे ना तो ए वाला चला जाएगा या तो ए वाला गिर जाएगा ऐसे होता है बच्चों के अंदर वो कॉर्डिनेशन नहीं रहता है जे दोनों को ही हम प्रेस करके ऐसे सिखाएंगे तो ये बहुत अच्छा एक्टिविटी है आप फास्ट वन फिंगर पे कराएंगे उसके बाद जब हो जाएगा टू फिंगर पे कोशिश कराएंगे अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है आप इधर और इधर दोनों फिंगर को आप खुद फिंगर से पकड़ के ऐसे रखेंगे और ऐसे रख के बच्चे को आप टेन काउंटिंग करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और बोलेंगे टेन काउंटिंग तक बच्चे आपको रुकना है तो उसमें काउंटिंग का कॉन्सेप्ट आएगा बच्चे को लिसनिंग स्किल इंप्रूवमेंट होगा आइसक्रीम स्टिक का कलर आप आइडेंटिफिकेशन कराएंगे और नाम बताते रहेंगे आइसक्रीम स्टिक को फिंगर से प्रेशर दे के रखना है तो ये आपको लगेगा आपका बच्चे को रट्टा लग रहा है और आपका बच्चा समझ में नहीं आएगा लेकिन आप बोलते रहेंगे तो कभी ना कभी एक दिन बच्चे को समझ में आ ही जाता है तो कंटिन्यू आप लैंग्वेज और स्पीच के साथ आप बोलते रहेंगे और एक्टिविटी करते रहेंगे तब भी आपका बच्चे को लैंग्वेज बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा तो फ्रेंड्स वीडियो देख लिया कैसे लगा एक्टिविटी अगर मेरे साथ पर्सनल कोई कांटेक्ट करना चाहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम फेसबुक ईमेल आईडी का लिंक है वह से आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए उस पेरेंट्स तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए जिनके आसपास कोई सेंटर नहीं है जो घर से बाहर नहीं जा सकता है बहुत दूर सेंटर है और जिसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उन पेरेंट्स तक पहुँचेगा उन लोग घर बैठ के काम करेगा तब भी उनका बच्चा इम्प्रूवमेंट होगा तो काम करने की ज़रूरत है कोई रास्ता नहीं है कोई शॉर्टकट नहीं है हम काम करेंगे तो हमारा बच्चा इम्प्रूवमेंट करेगा तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए कमेंट करके जरूर बताइए आज यहाँ तक नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी के साथ फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ टाटा बाय बाय थैंक यू सो मच